दोस्तों 2022 बॉलीवुड के लिए कितना खराब साबित हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। इस साल बॉलीवुड की 4-5 फिल्मों को छोड़कर सभी फिल्में फ्लॉप हुई हैं और साउथ इंडस्ट्री के लिए 2022 सबसे बेस्ट ईयर माना जा रहा है, क्योंकि इस साल साउथ की हर इंडस्ट्री ने सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और इस साल साउथ ने जितनी फिल्में रिलीज की हैं उससे कई ज़्यादा फिल्में बॉलीवुड ने रिलीज की हैं। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हुई है, इस साल साउथ की भी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस साल कौन सी फिल्म इंडस्ट्री रही नंबर वन। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों आपको तो पता ही है हमारे भारत में बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री नहीं है, साउथ में भी 4 अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री हैं। इसके अलावा हमारे भारत में पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी और भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, लेकिन आज हम उन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया और इनकी फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इसीलिए आज हम इंडिया की टॉप 4 फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस साल नंबर 4 पर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो है बॉलीवुड। जी हाँ, हमेशा नंबर 1 पर रहने वाला बॉलीवुड इस साल नंबर 4 पर आ गया है। अगर बात करें बॉलीवुड की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की तो उस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। वैसे तो दोस्तों बॉलीवुड को इस साल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की। दोस्तों कई लोगों को लगता है ब्रह्मास्त्र मूवी फ्लॉप हुई है, लेकिन आपको बता दें इस फिल्म मूवी ने अपना बजट रिकवर करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 450 करोड़ का कलेक्शन किया है और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। इसके बाद नंबर 3 पर है कॉलीवुड यानी तमिल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म PS1 है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और इस साल तमिल इंडस्ट्री नंबर 3 पर है। इसके बाद नंबर 2 पर है टॉलीवुड यानी तेलुगु इंडस्ट्री। बाहुबली मूवी से पूरे साउथ इंडस्ट्री को पहचान दिलाने वाली तेलुगु इंडस्ट्री इस साल दूसरे नंबर पर है। इस इंडस्ट्री की साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म TRRR है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में लगभग 1200 करोड़ की कमाई की है। और दोस्तों नंबर 1 पर है सैंडलवुड यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को साउथ की सबसे छोटी इंडस्ट्री मानी जाती है, आज वो इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। अगर बात करें इस इंडस्ट्री की इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की तो वो तो आप सभी को पता है। जी हाँ, KGF Chapter 2। ये फिल्म सैंडलवुड की नहीं बल्कि साल की इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इसी फिल्म से कन्नड़ा इंडस्ट्री नंबर 1 पर है। और दो तीस साल साउथ की मॉलीवुड इंडस्ट्री बॉलीवुड से पीछे है और इसके अलावा साउथ की सभी इंडस्ट्री बॉलीवुड से आगे है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।